गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं ब्रेकफास्ट में कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम अप्पे का सांचा है, ऐसा है, नॉन स्टिक है। वॉशिंग मशीन चल रही थी इसलिए ऑडियो को ऊपर सेट किया है। अप्पे बनाने के लिए दो कटोरी सूजी लेंगे, एक कटोरी ताज़ा दही लेंगे। दही ताज़ा होना चाहिए, नहीं तो अप्पे खट्टे बनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी गरम करके ही घोल तैयार करेंगे। गरम पानी से ही घोल तैयार करेंगे क्योंकि हमें अप्पे तुरंत बनाना है, इसके लिए गरम पानी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सब्जी ऐड करेंगे, थोड़ा सा गाजर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो और भी हरी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। अगर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है घोल तो उसमें थोड़ा सा और पानी डाल करके उसको अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ मीठा सोडा डाल रही हूँ, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए मीठा सोडे में, उसको फोड़ लेंगे। मीठा सोडा ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। अब हम अप्पे का सांचा चढ़ा रहे हैं गैस में, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा घोल सभी सांचों में डाल देंगे और इसमें हमें एक लकड़ी मिली हुई है अप्पे के साथ, उससे थोड़ा थोड़ा सा चला देंगे जिससे अंदर तक वो अच्छे से सिक जाए। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा और ऑयल डाल करके ढक देंगे। दो तीन बार पलट लिया है, आप भी दो तीन बार पलटेंगे तभी वो सिकेगा। अच्छा सिक जाना चाहिए, अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो हम दो तीन बार सारे पलट पलट के सेक लेंगे और लिड से उसको बार बार ढाँक देंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ बहुत अच्छे से ये सिक जाएंगे। ये हमारे अप्पे तैयार हो गए। इस तरह हम खूब सारे अप्पे बना लेंगे। अब मैं चटनी बना रही हूँ, इसके लिए मैं दो प्याज ले रही हूँ और तीन चार टमाटर ले रही हूँ। इसमें हरी मिर्च मैंने ली है, धनिया पत्ती ली है, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसको चला लेंगे। अब इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये थोड़ा सा मैंने राई डाला है। जब तड़क जाएगा तब उसमें जो हमने बनाई थी चटनी उसको डाल देंगे। बस थोड़ी देर चलाना है, फिर उसके बाद जो हमने अप्पे सारे रेडी किए हैं वो डाल देंगे चटनी में। और इनको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस गैस को अब डालते ही गैस को बंद कर देना है और अप्पों को अच्छे से चटनी के साथ मिक्स कर लेना है जिससे चटनी उसके अप्पे के अंदर तक भी चली जाए। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच।